Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Students, मुझे पता है आप अपने home पे enjoy कर रहे हैं ना, मज़े कर रहे हो ना? Yeah, so this is my second video of chapter number 6, food and shelter for animals in worksheet. Students, कल हमने already ये chapter 6 के exercise 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था. यस, सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर वर्कशीट. इन वर्कशीट ओपन द पेज नंबर 8. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. बच्चों आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. सो ऑल ऑफ यू पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट ब्लैक डार्क लेटर KISHORT short and next double your answer QUESTIONS questions क्या है short answer questions. बच्चों आपको question दिया है उसका answer आपको किस में लिखना है, short में लिखना है. First one, DO NIMLS animals, EAT eat, THE the, SAME same, KIND kind, OF FOOD food. क्वेश्चन क्या है, डू एनिमल्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड. बच्चों एनिमल्स है वो सेम काइंड का फूड ईट करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, नो, क्योंकि सारे एनिमल्स एक जैसा फूड ईट करते नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का फूड ईट करते. चलो तो आंसर क्या आएगा, एन नो नो कोमा NIMLS animals, EAT eat, THE the, DIFFERENT different, KINDS kinds, OF FOOD food. No animals eat the different kinds of food. बच्चों क्या है आंसर, नो ये सारे एनिमल्स एक जैसे फूड ईट नहीं करते, तो एनिमल्स ईट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. तो एनिमल्स कैसा फूड ईट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट. नाउ स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू पुट योर फिंगर ऑन योर सेकंड क्वेश्चन. एनएमई नेम TWO2 NIMLS एनिमल्स, THAT दैट, EAT ईट, INSECTS इंसेक्ट्स, AND एंड WORMS worms. Name two animals that eat insect and worms. बच्चों आपको ऐसे two animals का नेम लिखना है जैसे वो insect और worms eat करते हैं. बच्चों सोचो ऐसे कौन से two animals है जो insect and worm eat करते हैं, think it. Yes, answer is Lizard, the lizard, AND and WOOD PECKER woodpecker. तो आंसर क्या आएगा, लिजार्ड एंड woodpecker ये दोनों एनिमल्स है जो इंसेक्ट एंड वॉर्म्स ईट करते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन, WHYY DO NIMLS एनिमल्स नीड NEE नीड ए HOME home. Why do animals need a home? बच्चों animals को home क्यों चाहिए, पहले think. बच्चों आप सोच आपको home क्यों चाहिए, हमको home क्यों चाहिए, हमको हमको कैसे किससे protect करना है, hot से, cold से, rain से, animals से, ये thief से, thief यानी चोर को, हम ये सबको हम ये प्रोटेक्ट करते हैं ये सारी थिंग्स से, तो एनिमल हमको जैसे प्रोटेक्ट करता है तो वैसे एनिमल्स को होम क्यों चाहिए, हमको ये सारी चीज़ से, हमको सारी थिंग्स से इसलिए हमको होम की ज़रूरत है, हो ट्रेन कोल्ड थीव्स फिर हम एनिमल्स, ये सारी थिंग्स के लिए हमें ये होम नीड है, हमारी हमारी ज़रूरत है, वैसे एनिमल्स को क्यों अपना होम की ज़रूरत है, उसको क्यों होम की नीड है, थिंक इट. तो आंसर क्या आएगा, NIMLS एनिमल्स NEE नीड ए होम HOME होम TO2 PROTECT PROTECT FROM
HOT hot, COLD cold, AND end, RAIN rain. Animals need a home to protect from hot, cold and rain. बच्चों एनिमल को होम किस लिए नीड है? होम इसको किससे प्रोटेक्ट रखता है? हॉट, हॉट यानी धूप, कोल्ड यानी ठंड और रेन यानी बारिश. ये तीनों थिंग्स ये एनिमल को, ये होम से एनिमल को ये होम की प्रोटेक्ट करता है. होम ये सारी थिंग्स को इससे प्रोटेक्ट करता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू पुट योर फिंगर ऑन द फोर्थ क्वेश्चन. सब ने अपनी फिंगर रख ली? यस. NAME name THE HOME OF SPIDER spider. Name the home of spider. बच्चों आपके स्पाइडर के होम का नेम लिखना है. स्पाइडर के होम को हम क्या बोलते हैं? यस, आंसर क्या है? वेब, WEB वेब. स्पाइडर के होम को हम क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, NAME name an animal THAT WEB MAKE HOME FOR WHAT what IS is THE HOME OF THAT NAME animal CALLED called. Name an animal that we make home for. What is the home of that animal called? बच्चों आपको ऐसे एनिमल के नेम लिखने हैं जिसका होम हम बनाते हैं. व्हाट इज़ द होम ऑफ दैट एनिमल कॉल्ड, और उसके जो एनिमल का होम हम बनाते हैं उसका नेम लिखना है, और उसके होम को हम क्या बोल कहते हैं वो भी आपको लिखना है. तो आंसर क्या आएगा? हॉर्स, HORSE हॉर्स. हॉर्स का होम क्या है? STABLE स्टेबल. नाउ सेकंड वन, COW काव. काव के होम का क्या है? सैड, SHED सैड. थर्ड वन, FISH फीस. फीस के होम को हम क्या बोलते हैं? एक्वेरियम, AQUARIUM एक्वेरियम. फोर्थ वन, DOG डॉग. इसका डॉग के होम को क्या बोलेंगे? कर्नल, KENNEL कर्नल. स्टूडेंट्स ऐसे किस कौन से एनिमल्स का होम हम बनाते हैं? जो फर्स्ट वन, हॉर्स, काउ, फीस एंड डॉग. और हॉर्स के होम को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल. काउ के होम को सैड. फिश के होम को एक्वेरियम. और फोर्थ वन, डॉग के होम को हम क्या बोलेंगे? कर्नल बोलेंगे. बच्चों बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन क्या है? एल्लो एनजे लॉन्ग. NSW आर आंसर. QUESTI ऑनेस क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. बच्चों इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको लॉन्ग में देना है. फर्स्ट वन, WHAD वॉट DOES डस. FROG फ्रॉग. डू वैन, WHEN वैन. ITS ईट्स. SWS सीज. ANN INSECT इंसेक्ट. क्या है? वॉट डज ए फ्रॉग डू वैन ईट सीज एन इंसेक्ट. बच्चों इसका क्या मीनिंग है कि फ्रॉग क्या करता है जब कोई भी इंसेक्ट को देखता है? तो फ्रॉग क्या कर लेता है? उसको क्या करता है फ्रॉग? थिंक इट. ऐसा कोई भी इंसेक्ट फ्रॉग देखता है तो फ्रॉग डायरेक्ट इंसेक्ट को क्या कर लेता है? आंसर क्या है? IT eat, EATS eats, THE the, INSECT insect, eat eats the insect. बच्चों क्या करता है जो फ्रॉग कोई भी इंसेक्ट को देखता है तो उसको क्या करता है? खा जाता है. ईट इट्स द इंसेक्ट. वो इंसेक्ट को क्या करता है? खा जाता है. नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट द पेज नंबर 9.
चलो स्टूडेंट्स अपना पेज टर्न करो, पेज नंबर 9। सो ऑल ऑफ यू पुट योर फिंगर ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर अपने फिंगर रखो। WHYY DO ANIMALS ANIMALS SHELTER. बच्चों क्वेश्चन क्या है, वाई डू एनिमल्स नीड शेल्टर। बच्चों एनिमल्स को शेल्टर क्यों चाहिए। राइट एनी सिक्स टाइप्स ऑफ एनिमल शेल्टर। और बच्चों आपके एनिमल्स के शेल्टर के सिक्स टाइप्स में सिक्स टाइप्स को लिखना है। तो आंसर क्या आएगा, NIMLS एनिमल्स NEED नीड SHELTER शेल्टर, TO2 PROTECT प्रोटेक्ट, FROM फ्रॉम, HOT हॉट, कोमा COLD कोल्ड, ANDI एंड, RAIN रेन। काउ सेड, काउ के हमको क्या बोलेंगे, सेड SHED सेड, HORSE हॉर्स, STABLE स्टेबल, GOD डॉग, कर्नल के ENEL कर्नल, SPIDER स्पाइडर, WB वेब, FISH फीस, AQUARIUM एक्वेरियम, BIRDS बर्ड्स, NEST नेस्ट। एनिमल्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हॉट कोल्ड एंड रेन। काउ सेड हॉर्स स्टेबल, डॉग कर्नल, स्पाइडर वेब, फिश एक्वेरियम, बर्ड्स नेस्ट। बच्चों क्या क्या है आंसर में, क्या है, एनिमल्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट, एनिमल्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हॉट कोल्ड एंड रेन। बच्चों एनिमल्स को इसलिए शेल्टर की जरूरत है, शेल्टर उसे किससे प्रोटेक्ट करता है, हॉट यानी धूप से, कोल्ड यानी ठंड से, और रेन यानी बारिश से। अच्छा ये तीनों थिंग्स से शेल्टर उसे प्रोटेक्ट करता है। नाउ क्या बोला है, बाद में सिक्स टाइप ऑफ एनिमल के शेल्टर के नेम लिखने। तो काउ का शेल्टर क्या है, सैड, हॉर्स का शेल्टर स्टेबल, डॉग का शेल्टर कर्नल, स्पाइडर का शेल्टर वेब, फिश का शेल्टर एक्वेरियम, बर्ड्स का शेल्टर नेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू पुट योर फिंगर इन थर्ड क्वेश्चन। WHAT वॉट KIND काइंड, OFOF PHINGS थिंग्स, ARER USAD यूज्ड, BYBY ए बर्ड, BIRD बर्ड, टू BUILD बिल्ड, ए NEST नेस्ट। What kind of things are used by a bird to build a nest? बच्चों ऐसी कौन सी things use होती है जो birds अपने nest को build करते हैं, यानी बनाते हैं, जो अपने nest बनाते हैं इसमें से कौन सी things बनाने के लिए कौन सी things इसमें use करते हैं। तो answer BIRDS birds, USE use, straw STRAW straw, TWIGS twigs, LEAVES leaves, AND and, COTTON cotton, TO2, MAKE make, NEST nest. Birds use straw, twigs, leaves and cotton to make nest. बच्चों जब birds nest बनाते उसमें things क्या use करते, straw, ट्विग्स, लीव्स एंड कॉटन, ये फोर थिंग्स उसमें यूज करते हैं नेस्ट बनाने के लिए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, WHAT वॉट ARER द फोर FOUR फोर THINGS थिंग्स, एनिमल्स NIMLS एनिमल्स NEED नीट, टू REMAIN रिमेन, SF सेफ, फ्रॉम FROM।
हाउ एच ओ डब्ल्यू हाउ डू यू डू टी एच ई वाई दे आर ई एम एन रिमेन एस एफ ई सेफ वॉट आर द फोर थिंग्स एनिमल्स नीड टू रिमेन सेफ फ्रॉम हाउ डू दे रिमेन सेफ. तो क्या आएगा बच्चों, ऐसी कौन सी फोर थिंग्स है जो एनिमल्स को, वॉट आर द फोर थिंग्स एनिमल्स नीड टू रिमेन सेफ फ्रॉम. बच्चों ऐसी कौन सी फोर थिंग्स है जो एनिमल्स को सेफ रहना चाहिए, उससे यानी उससे बचना चाहिए, और हाउ डू दे रिमेन सेफ, और तो वो सेफ कैसे रहेंगे इससे. तो आंसर में क्या आएगा, ओ टी एच आर ओदर एन आई एम एल एस एनिमल्स एच यू एन टी आर हंटर एच यू एम एन एस ह्यूमन्स एंड डी एंड सिलाइमेटिक क्लाइमेट टी एच जी वाई दे आर ई एम आई एन रिमेन एस एफ ई सेफ आई एन एस आई डी इन साइड टी एच जी आई देर सेल्टर एस एच जी एल टी आर सेल्टर्स. तो बच्चों इससे किससे सेफ, किससे वो उसको सेफ रहेंगे, अदर एनिमल्स हंटर्स ह्यूमन्स एंड क्लाइमेट दे रिमेन सेफ इन साइड देयर शेल्टर्स. बच्चों एनिमल्स को किससे सेफ रहना चाहिए, अदर दूसरे एनिमल्स से, क्योंकि दूसरे एनिमल्स को खा जाते हंटर यानी हंटर से जो उसको हंट करने आते, दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं एंड क्लाइमेट से, और उसको सेफ रहने के लिए वो किस में रहेंगे, वो अपने शेल्टर में रहेंगे. दे रिमेन सेफ इन साइड देयर शेल्टर, उसको उसके शेल्टर में ही रहना चाहिए. स्टूडेंट्स योर टुडे होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर इन वर्कशीट. थैंक यू.